शाबाश शाबाश। इसमें क्या आएगा भाई? और सीनियर ऑडिटर जो पोस्ट है ना, वो अच्छी खासी पोस्ट है। आप डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर लगते हैं, आगे जाके आपका प्रोमोशन होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर भी लगते हैं, और बड़ी जबरदस्त जॉब है। अब देखें, ये सवाल मैं, हालांकि मैं बच्चों को रिपीटेडली बताता हूँ भी चैनल के थ्रू भी, तो ये सवाल नहीं कर सकते। उसके साथ फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये ऊपर वाले भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखें हर वो सवाल यहाँ पे, जो हर सवाल लिखा गया है ना, ये हर सवाल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। ये एक सवाल नहीं है, ये एक सवाल के पीछे पूरा रूल है, वो सारा रूल पढ़ना पड़ता है। तो वो रूल आपको आएगा तो आप ये सवाल कर पाएंगे। अगर आपको रूल नहीं आ रहा तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। बस ये बात समझ रही है। चलें, तो अभी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दूं आप लोगों को नीचे, एम आर इज या नन ऑफ देम, तो कौन सा आएगा? इसी तरह यहाँ पे इसको कॉपी करके फिर इसके नीचे रखें, और उसके बाद यहाँ पे कॉपी करके हम यहाँ रखें, तो ये सवाल आपके आ रहे हैं भाई पेपर में। बड़ी बात है ना, ये सवाल बिल्कुल आसान है। असमा कह रही है कि एम आएगा भाई। देखें, आप लोग अटेंशन देंगे ना तो समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये सवाल इस तरह भी हो सकता है, ही एज वेल एज आई नॉट श्योर, इस तरह भी हो सकता है। हाँ, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। मैं चले रूल्स बताता हूँ आप लोगों को, तो क्योंकि आपको रूल आएंगे तो आप कर पाएंगे, अगर रूल नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे भाई। किसी भी सेंटेंस में एक बात को हमेशा ज़हन में रख लें, और ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। वन टाइम आप सीख लें कोई सी भी चीज़, वो दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि चीजें रिपीट के बारे में सोचेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चन। सवाल करना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल की बहुत बड़ी कीमत होती है। एक सवाल, अब एक बच्चा है उसका 59 आया है जेएसटी में, अब सपोज के 60 पे पास है तो वो तो गया ना, और एक बच्चा है जिसका 49 आया है, अगर 50 पे पास है तो वो तो गया, और ये अगर 60 पे पास है तो वो गया। तो 1 मिनट, एक 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 जो है ना आपका एमसीक्यू मैटर करता है आपकी नौकरी के लिए। तो उसको लाइटर नोट पे नहीं लेना कि सर खैर है, ये एक नहीं आया तो क्या हुआ भाई, एक से तो सारा गपड़ा होता है पेपर का, एक मार्क से आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना, परसेंटेज गिर जाती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ किसी भी सेंटेंस में अगर आप एंड लगाए ना, इसको समझें, किसी भी सेंटेंस में एंड लगाए ना तो हमेशा इसके साथ आपका आर आएगा। यहाँ आपका एंड आ गया तो आंखें बंद करके आर आएगा, यहाँ आपका एंड आ गया तो आंखें बंद करके आर आएगा, सोचना ही नहीं है। अगर दो लोग हैं ना, दो लोग हैं और एंड आ गया, आई एंड ही, गणेश साहब अब जा रहे हैं, अगर सेंटेंस में एंड आ जाए और दो लोग हों तो आंखें बंद करें और आर डालें, ही एंड आई आर, आई एंड ही आर, ही एंड दे आर, दे एंड ही आर, ठीक है ना, दो नेम किस तरह हो, दो नेम के साथ भी आर आएगा भाई। यहां अली हो, यहां अगर आप अली देते हैं और अली के साथ यहाँ जैन लिखते हैं आप, जैन, अली एंड जैन, तो इसके साथ भी आपका आर आएगा भाई। रूल समझ लें बस, रूल ये सिंपल मैं बता रहा हूँ, मैं आसान करके बताता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में एज वेल एज आए तो फिर क्या होगा,
अगर एज वेल एज आए तो फिर क्या होगा? क्या बात बताएं? एंड हो तो आंखें बंद करके आर डालेंगे बस, एंड हो तो आंखें बंद करके आर। और अगर आपका एज वेल एज हो किसी सेंटेंस में तो इस चीज का ख्याल रखना है, तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, इसको फॉलो करेंगे। अगर एज वेल एज हो तो फर्स्ट पार्ट वाले को आप फॉलो करेंगे, ही एंड आई, यहाँ आपका इज आएगा, ही एंड आई इज, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो, ठीक है, इज आएगा आपका, क्या आएगा? इज। तो ये वाला आपका जवाब 100% सही है भाई। नहीं आ रहा समझ? यही आते हैं भाई पेपर में सवाल, यही। इसी तरह नीदर, नीदर ही नार आए, क्या आएगा? और फिर आते हैं नीदर आए नार ही, क्या आएगा? माइक भाई आखिरी में खोलते हैं, फिर आपका आवाज आएगा ना तो फिर आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। माइक इसलिए नहीं खोलते क्योंकि फिर आप लोगों को सबको डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है ना। एंड में आप सवाल लिख लें, मैं आपको पढ़ा लूं, उसके बाद एंड में आप सवाल कर लें, मैं आपको 10 मिनट दूंगा ना सवालों के। हाँ चले चले, माइक खोल देता हूँ भाई, ले लें। चले अच्छा, मैं समझा रहा हूं, सारा समझा रहा हूं। अब नीदर जब आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद यहां हम डालेंगे, यहां हम इधर डालेंगे, इधर ही, इधर ही आर दे, फिर हम यहां बताएंगे इधर ही आर आए। आप देखें, अब आप मुझे बताएं क्या आएगा? शाबाश, कोई बच्चा बता सकता है? अब ऊपर वाला तो हमने सीख लिया, माय फ्रेंड एज वेल एज माय कजन, सही है, बिल्कुल सही है। नीदर एम ए सेकेंड पार्ट को फॉलो करेगा, नीदर में, सही है। अब देखें यहां, अगर आप नीदर, पहले मैंने एंड समझाया, अब मैं आपको नीदर समझा रहा हूं और ये सवाल आ रहे हैं। और अगर नीदर और नार का अगर इस्तेमाल हो तो ये वाला जो सेकेंड पार्ट है ना, इसको हम फॉलो करते हैं। नीदर और नार के साथ हम सेकेंड पार्ट को फॉलो करते हैं हमेशा, अगर आपके सेंटेंस में नीदर और नार हो हमेशा। इसी तरह नीदर आ गया तो, नीदर आ गया तो नेचुरली हम हिस को फॉलो करेंगे भाई, हाँ, नार के बाद वाला फॉलो करते हैं, तो ही के साथ यहाँ आपका इज आएगा। इसी तरह इधर भी सेम चक्कर है, इधर के साथ जो है सेकेंड पार्ट को हम फॉलो करेंगे, यहाँ आर आएगा, और इधर ही आर आए, आई के साथ भी आपका यहाँ पे एम आएगा भाई। चले एक सेंटेंस बनाए आप लोग, थोड़ा सा मुझे पता भी चले, मैं असल में बनवा रहा ना, प्रैक्टिस नहीं करवा रहा ना, फिर आप गलतियां करते हैं, उसके बावजूद भी पेपर में गलत कराते हैं, तो इस पे दुख होता है कि आपने एक चीज पढ़ी हुई है उसके बावजूद भी पेपर में गलत करके आए। शाबाश, एक सेंटेंस बनाए। नीदर और नार का थोड़ा सा मुझे पता चले कि आप लोगों ने बिल्कुल अटेंशन से देखा है और समझा है और सोचा है।
शाबाश अरिया। Neither he nor I am able to solve it. सही है। Neither Ali nor Saba writes perfectly. Very good. Dinesh bhai. Excellent. Nor Saba writes. Neither he nor I waste time. Neither Saba nor I goes नहीं होगा भाई। Neither Saba nor I goes नहीं होगा। आसमा बेटा थोड़ा सा फोकस करें, इस तरह ना करें। Neither he or नहीं आएगा भाई, ये भी गलती है आपकी। Neither के साथ आपका आर नहीं आता। चलें, ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, ये पेस्ट करते हैं। बाय अस्मा। उसके बाद अली ने लिखा है बाय, फिर शोएब, नीदर सबा नार ही गोस्ट, शोएब का सही है, नीदर आए नार ही, हाँ ये सही है, इधर यू आर दे स्टेम, हाँ ये सही है। अब इसमें गलतियां बताएं, इस तरह भी समटाइम सवाल आता है, जैसे आपने ये गलतियां की है ना, तो इस तरह भी सवाल आता है आपका पेपर में, इसको भी देखना होगा। एक एक सेंटेंस जो आपको पेपर में दिया जाता है ना, उसके पीछे पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप उसको ये ना समझे कि ये तो एक सवाल आपने सिखाया, एक सवाल नहीं पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं अभी आपको कि भाई ये इस तरह होगा इस्तेमाल। बिल्कुल 100% आय के साथ ऐसे नहीं लगेगा, हाँ बिल्कुल सही है, आय के साथ यहाँ पे देखें, इनके साथ ये नीचे हम लिखते हैं ना, ये सारे देखें आप ही बना रहे हैं ना, मैं तो नहीं, मैं तो सिखा रहा हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिस इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपका मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने समझा है, वरना मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको समझाता जाऊंगा। और इसके साथ आपका नार आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि नीतर के साथ हम नार डालते हैं, तो ये गलती थी आपकी। यहाँ पे ये गलती थी और यहाँ पे गोज वाली गलती थी, तो यहाँ गो आएगा, यहाँ पे गो आएगा। चलें अभी समझ आ रहा है मेरे ख्याल में, यहां तक क्लियरिटी है। तो हाँ वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये सेंटेंसेस आपके पेपर में इसी सेंस में आ रहे हैं। उसके बाद है नीदर, नीदर ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू कॉलेज, इसकी गलती बताएं। नीदर ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू कॉलेज, कहाँ पे गलती है? या ईदर ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू कॉलेज, शाबाश। आएगा स्टूडेंट्स होगा, अच्छा अच्छा वेरी गुड। देखें इसमें आप थोड़ा सा समझेंगे, ये अगेन समझने वाली चीज है जो आपको फोकस करनी है, यही सवाल आते हैं भाई पेपर में। अब आपने नीदर के साथ जैसे ही अगर यहाँ पे आप ऑफ लगा रहे हैं ना, नीदर के साथ या इधर के साथ, आप नीदर के साथ या इधर के साथ जैसे ही ऑफ लगा रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे वाला आपका होगा प्लुरल, और फिर ये वाला पार्ट आपका होगा सिंगुलर। इसमें दो गलतियां हैं। इसी तरह यहां पे एस आएगा और यहां पे इज आएगा, ठीक है,
अभी समझ आ गया? चलें, अभी मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं और फिर आप शायद गलती करें। यहां पे मैं लिखता हूं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं नेदर ऑफ टीचर्स इज अटेंडिंग द सेमिनार। अब इसकी गलती बताएं, नीदर ऑफ टीचर्स इज अटेंडिंग द सेमिनार, कहां पे गलती है? अच्छा, टीचर्स आ रहेगा, अच्छा आ रहेगा, सही सही। चले, ऑल स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग माई क्लास नाउ, ऑल स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग माई क्लास नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप गलती पकड़ें। जो बच्चा गलती पकड़ता है ना, वो बहुत काम कर सकता है। जो भी स्टूडेंट अगर गलती पकड़ ले, जी सवाल आ जी सर, सर ये जो था नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कॉलेज वाला जो लॉ बुदाए हुआ, यो दोबारा बुदा चीज उर्दू में पूछे सर, जो ऊपर नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कॉलेज वाला लॉ बताया है, वो दोबारा बता दे। अच्छा, नीदर ऑफ द, हाँ सही सही। आप अगर कोई बच्चा इस तरह पूछना चाहता है ना, कोई सवाल जैसे भाई ने पूछा है, अगर आप समझते हैं कि मुझे ये सवाल है, तो इसी तरह आप माइक खुलवा के पूछ सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप कहें कि रेस्ट्रिक्शन, इसमें ये होगा कि फिर आपको फिर उसी हिसाब से परमिशन दी जाएगी कि आप हाथ ऊपर करें और फिर मैं माइक ऑन करूंगा। वैसे अगर जनरली माइक ऑन करते हैं तो फिर आप लोगों को इश्यूज होते हैं, अभी अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप पूछ रहे हैं कि नीदर ऑफ वाला जो सेंटेंस पूछ रहे हैं ना, जब भी नीदर के साथ आप ऑफ लगाएं ना, जब भी नीदर के साथ, बस नोट करें ऑफ, ये नीदर के बाद ऑफ आ गया तो हम कहते हैं कि कोई भी शागिर्द कॉलेज नहीं जा रहा, ठीक है। तो नीदर ऑफ द हम लगाते हैं तो हम यहाँ पे एस लगाते हैं कि क्योंकि शागिर्दों में से हम कह रहे हैं, एक से ज्यादा हैं, और नीदर हमेशा नीदर कितने लोगों को शो करता है, ये नीदर करता है दो में से एक, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स मींस दो को शो करता है। दो तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन हिडन ये है कि ये दो लोगों की बात होती है कि नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, शागिर्दों में से कोई भी शागिर्द कॉलेज नहीं जा रहा, तो यहाँ पे कोई भी शागिर्द नहीं जा रहा तो यहाँ आपका इज होगा, ठीक है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब दो लोग खड़े हुए हैं, दो शागिर्द हैं, उसमें से हम कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं जा रहा, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग, क्योंकि अब हम फोकस कर रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक नहीं जा रहा। इसी तरह ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम स्टूडेंट्स लगाएंगे तो यहाँ फिर आपका इज आएगा। अब हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक जा रहा है, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू कॉलेज, मतलब दो है, दो में से एक जा रहा है, वो नीदर नहीं जा रहा, दोनों में से कोई नहीं जा रहा। अगर दो से ज्यादा हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, तो हम क्या डालेंगे? यहां तक समझ आ गया है आपको? जैसे हमने लिखा नीदर ऑफ, अब इसमें हम ये, मैंने ये जो आपको बताया इसमें गलती कौन सी है जो आपने नहीं बताई? आसमान ने बिल्कुल सही लिखा है, ममताज ने सही लिखा है, वेरी गुड ममताज भाई, एक्सीलेंट। ऑल के साथ यहाँ लगाएंगे आप द, ऑल द स्टूडेंट, जब इस तरह लिखे ना सारे की शायद, अब सारे जो है ना, सारे शागिर्द
आप कुछ खास छात्रों की बात कर रहे हैं कि वो सारे ऑल द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग माई क्लास. अब मतलब ऑल द स्टूडेंट माना आप लोग वो हैं जो रजिस्टर्ड है ना, तो मैं कहूंगा ऑल द. वैसे तो दुनिया सारे में लोग हैं ना, तो लेकिन मेरे पास जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो ऑल द होगा ना, ऑल स्टूडेंट्स नहीं होगा. ऑल द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग माई क्लास नाउ. मेरे ख्याल में क्लियर है. इसी तरह नीदर नीदर ऑफ द, अब यहाँ नीदर के साथ भी ऑफ द, तो यहाँ आपका क्या आएगा, याद आए. अभी कोई सवाल है तो आप मुझसे करें. बिल्कुल किसी को सवाल है तो सवाल कर सकते हैं भाई, सवाल की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. यहाँ पे गलती है आपकी, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ. इधर वाले की मीनिंग ये है, ये इधर वाला जो है ना, इधर वाले की मीनिंग ये है, ये बताता हूं आपको. इधर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू कॉलेज. अब इधर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू कॉलेज. अब यहां पे देखें, शागिर्दों में से कोई एक शागिर्द कॉलेज जा रहा है, एक शागिर्द कॉलेज जा रहा है. अब शागिर्दों में से एक शागिर्द कॉलेज जा रहा है तो इसका इधर है, अगर कोई भी नहीं जा रहा तो नीदर है. लेकिन नीदर और इधर जो है दो को शो करता है. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश, अगर नहीं आ रहा तो आगे भी पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं भाई. मेरे ख्याल में अभी क्लियर हो गया कि नीदर ऑफ द. अच्छा, उसके बाद आते हैं one of the student is आएगा, नहीं आएगा, neither और either के साथ is आएगा, all के साथ आर आएगा. ये जो all है ना, इसके साथ आर आएगा. यहाँ जो all हमने लगाया है ना, all the students, इसके साथ आपका आर आएगा. ऊपर मैंने लिखा है रांग, ये मैंने रांग लिखा है, ये मैंने रांग लिखा है, ये मैं इसको ब्लू कर देता हूं रांग, इसके जैसे आपको पता चल जाए कि ये रांग है. अब ये सही है, ये वाले ऊपर वाले गलत है, ये मैं लिख लेता हूं. जैसे यहाँ पे रांग है ये वाले, और ये वाले भी रांग है, ठीक है, ये रांग है. रांग लिख इसलिए लिख लेता हूँ, जैसे अभी आप फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट्स बनाएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सारे सर ने बताया रॉन्ग है. और नीदर ऑफ द टीचर्स इज अटेंडिंग, इधर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग, और ऑल द, यहाँ पे द आएगा. यहाँ पे द को भी फोकस करना है भाई, ये नहीं भूलना आपको. कल इस तरह नहीं कहना कि सर हमें तो आपने इस तरह बताया था, मैंने तो सही बताया भाई. अच्छा, वन ऑफ द स्टूडेंट इज अटेंडिंग माई सेशन. वन ऑफ द स्टूडेंट इज अटेंडिंग माई सेशन. बताएं भाई कहां पे गलती है? स्टूडेंट्स आएगा, चलें. बिल्कुल, अब ये वाला जो सेंटेंस है मैं लिख लेता हूँ, ये सेंटेंस आपका गलत है, और यही सवाल आते हैं आपके. और इसके बाद जो सही सेंटेंस है वो भी मैं लिख लेता हूँ. तो वन ऑफ द यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, अब आपका ये सेंटेंस सही है. यहाँ रॉन्ग वाला मैं काट देता हूँ. अब ये आपका द स्टूडेंट्स इज अटेंडिंग, ये आपका सही होगा. यहां तक मेरे ख्याल में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, ठीक है. उर्दू में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे हमारे पास जो है ना उर्दू हैं, तो इस वजह से फिर उनको भी जैसे समझ आए कि आपने ये सवाल किया है. हाँ, वन है, बिल्कुल. चलें, अब यहां पे आते हैं एक और, हम यहां से सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं. यहां मैंने जो लिखा है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा रूल, ये वाला हम करते हैं कॉपी, कॉपी करके यहां रखते हैं.
अब इसमें गलती बताएं, he did not interfere nor did I, या nor will I, nor shall I, क्या आएगा, या nor I did, he did not interfere nor was I, he did not interfere nor am I, he did not interfere nor did I. इस तरह ऑप्शंस आएंगे कमीशन में और आपसे पूछा जाएगा कि which one of the following sentences is correct. इस तरह पूछा जाएगा भाई आप. यही आते हैं भाई, यही आते हैं, वही मैं पढ़ाता हूँ जो पेपर में आते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ाता. मेरी पूरी कोशिश होती है कि एफपीएससी के पेपर देख के पढ़ाया जाए आपको. अब देखें, अब इसमें गलती आप बताएं कौन सा सही है सवाल, कौन से तीन गलत हैं. अच्छा तीसरा सही है, अस्मा कैरी आई थिंक तीसरा. शाहजे मेमन चौथा कह रहे हैं, अली तीसरा कह रहे हैं, और कोई बच्चा बताएगा मुझे. शाहजे मेमन मुमताज डिड कह रहे हैं, शाबाश. देखिए अगर आप लोगों को मैसेज करना पढ़ दे मैसेज बोल भी सकते, अस्मा शाजे मुमताज सैयद जैन शाजे डिस्टरबेंस हो रही है, नहीं हो रही डिस्टरबेंस हो रही है ना, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ कि बच्चों की आवाज आती है, माइक खुल जाता है, ठीक है ना. तो इस वजह से मैं इस चीज से अवॉइड करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपका माइक ऑन करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पर्सनल काफी घरों में पता नहीं क्या क्या होता रहता है. तो ये चीज आप लोगों के लिए मसला करें, मुझे कोई इशू नहीं है. आप क्या बोल रहे हैं, मोहल्ले में कोई बच्चा गाली दे रहा है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना फिर तो. कल ये हम इसके शॉर्ट क्लिप यूट्यूब पे रखें, और अगर कोई डॉग बार्किंग की आवाज आ रही है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी. डॉग इज बार्किंग होता है ना, कोई हमें नहीं पता ना उधर क्या हो रहा है. देखिए मेरे पास तो एक एनवायरनमेंट है ना घर में, मेरा मैंने तो एक स्पेशली रूम बनाया है ना, मैंने तो स्पेशली रूम बनाया है तो मेरे यहाँ आवाज नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने इस पे सेटअप पे काम किया है. और आप लोग तो कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, आप कहीं मतलब मुझे नहीं पता सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, आप गली में बैठे हुए हैं, आपका तो सिर्फ काम सुनना है ना, ठीक है ना. तो मैंने तो एक सेटअप बनाया है इस वजह से, वरना मेरे यहाँ भी बच्चों की आवाज आती होगी और बच्चों को पता होता है कि इस टाइम आवाज करनी भी नहीं, वैसे अगर करनी भी है तो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक चीज बनाई है जहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ, वरना फिर डिस्टर्बेंस होगी तो फिर तो आप नहीं पढ़ेंगे ना मेरे पास. तो इस वजह से मैंने मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस है ना कि अगर आप माइक खोलेंगे तो फिर इश्यूज होंगे आप लोग, मुझे नहीं है इशू, मतलब एनी टाइम आई कैन ओपन इट, ठीक है ना. तो चले यहाँ पे आते हैं. अब इसमें जो सही सेंटेंस है ना, सही वाला सेंटेंस ये वाला है भाई, बाकी सारे गलत हैं. अब आप पूछेंगे ये किस तरह सही है, अब मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ही डज नॉट attend my call इसको हम करते हैं कॉपी. इसको हम रखते हैं यहां, इसको हम करते हैं कॉपी, इसको रखते हैं यहां,
इसको हम कॉपी इसको रखते हैं यहाँ, और अब यहाँ पे रखते हैं नन ऑफ देम। अब कौन सा सही है इसमें, अगर मैं इसका पूछूं, क्योंकि सवाल तो यही आएंगे ना, इससे सवाल अलग तो सवाल आते ही नहीं है। अच्छा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, अब कौन सा सही है? सातवां तो सेंटेंस ही नहीं है भाई, इसमें से बताएं ना, नीचे वाले में से बताएं नंबर, इसमें से पांच में से, एक दो तीन चार पांच, कौन सा सही है भाई? आप बताएं। अच्छा, तीसरा सही है, सैयद जैन कह रहे हैं तीसरा, ही डज नॉट अटेंड माय कॉल नॉर एम आई। मुमताज कह रहे हैं कोई भी सही नहीं है। अली सेकंड वाला कह रहे हैं भाई घर पे बैठ के इन रूल्स की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, क्योंकि ये रूल एक दफा आपको सारे आने चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होता ना, फिर तो मैं तो आपको सारा एक दिन में पढ़ा दूं, मुझे इशू नहीं है, फिर आपको याद नहीं होगा, कुछ याद होगा कुछ भूल जाएंगे, फिर दोबारा मुझे रिपीट करना होता है चीजें, फिर गलतियां करते हैं आप। तो भाई इसमें जो सही सेंटेंस है ना, इसमें जो शाहजेब राजा साहब, इसमें जो सही सेंटेंस है ना, वो वाला है ये वाला, नन ऑफ देम, ये वाला सही है। अब क्यों सही है ये मैं बताता हूँ आपको। देखें इस सेंटेंस में क्या, अभी एक सेकंड, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, यहां पे आते हैं, एक और सेंटेंस लिखता हूं, ही इज नॉट अटेंडिंग माय कॉल। अब इसको मैं करता हूं कॉपी, और कॉपी करके यहां रखता हूं सारों को इसी सेंस में। मेरे ख्याल में फिर आप लोगों को बिल्कुल कभी गलती नहीं करेंगे, अगर आप अटेंशन दे रहे हैं ना तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब इसमें से कौन सा सही है, शाबाश बताएं हरिया। तीसरा, अच्छा तीसरा सही है, तीसरा सारे तीसरा कह रहे हैं। चले मैं ये बताता हूं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई। देखिए अगर आप किसी सेंटेंस को सही से परखेंगे, सही से देखेंगे, समझेंगे, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ हमने डिड नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, डिड नॉट, इन सारों में डिड नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में नार के बाद भी आपका डिड आएगा, तो नार के बाद भी डिड आएगा, क्योंकि इस पार्ट में डिड है आपका, यहाँ पे वाज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, और ये आ नार के बाद डायरेक्टली हम आई नहीं लगा सकते, नार के बाद डायरेक्टली हम डिड लगाएंगे फिर आई लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें, ही डज नॉट अटेंड, तो नार आई डिड ये नहीं होगा, नार वाज आई नहीं होगा, नार एम आई नहीं होगा, नार डिड आई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट का फार्मूला चल रहा है ना, ये सारे के सारे डज नॉट है, तो ये वाला सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा नार, नार डू आए या नार डज, इस तरह होगा आपका। अच्छा, ही डिड नॉट इंटरफेयर, नार आई डिड, ये मैंने आपको बता दिया ये सही है। तो यहाँ पे आते हैं, ही इज नॉट अटेंडिंग माई क्लास, नार आई डिड, ही इज नॉट अटेंडिंग माई क्लास, नार आई वाज, ही इज नॉट अटेंडिंग माई क्लास, नार एम आई, तो ही इज नॉट अटेंडिंग माई क्लास, नार डिड आई। अब कौन सा सही है, शाबाश। इसको हम बता देते हैं क्योंकि ये गलत है। इसके साथ इस तरह भी आ सकता है, नार आयम,
नारायण भी आ सकता है, लेकिन नार एम आई क्योंकि ये कंटिन्यूस वाला चल रहा है ना, तो ये सारा फार्मूला यही चलेगा, नार एम आई, ये वाला आपका सही है, नार एम आई। और इसका जो सही जवाब होगा, इसका होगा ही डज नॉट अटेंड माय क्लास नॉर डू आई। अब सही है आपका, अब बिल्कुल सही है भाई। चलें एक और सेंटेंस बताते हैं, आई नेवर हैव एंड I never will do it. I never have and I never will do it, भाई। ये मैंने आपको बताया था, भाई बुक रेनन मार्टन के सिवा कोई किताब अच्छी नहीं है। किताब अगर पढ़नी है तो रेनन मार्टन पढ़ें या प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पढ़ें। अगर बेसिक अच्छी नहीं है तो अनवर अफजल मुफ्ती पढ़ें, ठीक है ना। तो बुक यही सही है, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई बुक नहीं है। चलें अभी रूल बताता हूँ, ये वाला हमने कर दिया, ये बता दिया, और ये भी मैंने आपको सारे बता दिए, ये मैं काट देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखें, I never have हम रखेंगे done, I never have done it and I never will do it and I never will यहाँ पे do it, मैंने ये ना कभी किया है ना कभी करूँगा, I never have done it and I never will do it, he is displeased with me leaving the class, he is displeased with me leaving the class। अब यहां पे देखें, इसको करेक्ट करते हैं, ये हम कहेंगे ही इज डिसप्लीज्ड एट मी, प्रैक्टिकल इंग्लिश भी सही है, या एट माय लिविंग द क्लास। अब ये जो है ना, एट माई लिविंग द क्लास, क्लास छोड़ने पे, उसके साथ नहीं है, उसके क्लास छोड़ने पे है। या अगर आप इस तरह कहते हैं, आप इस तरह कह सकते हैं, ही इज डिसप्लीज्ड विद मी, फिर तो सही है, ही इज डिसप्लीज्ड विद मी, अब ये सही है। जैसे हम कहते हैं ही इज एंग्री विद मी, आपका सही है, लेकिन एट माई बिहेवियर, अब यहाँ एट आएगा क्योंकि ये सिचुएशन की बात हो रही है, ऊपर जो हमने लिखा है ना वो सिचुएशन है भाई, मेरे ख्याल में समझ आ रहा होगा ना, ही इज डिसप्लीज्ड विद मी लिविंग द क्लास, ये गलत है आपका, ये आपका गलत है, मैं लिख लेता हूँ, ही इज डिसप्लीज्ड एट माई लिविंग द क्लास, अब जो नाराजगी है ना वो क्लास छोड़ने पे है, उस पर नहीं है, ही इज डिसप्लीज्ड एट माई लिविंग द क्लास, मेरे ख्याल में समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आपके साथ नाराज है तो ही इज प्लीज्ड विद मी या ही इज डिसप्लीज्ड विद मी, अगर आपके साथ बिहेवियर है तो यहाँ इस तरह हमने लिखा ही इज एंग्री विद मी एट माय बिहेवियर, तो एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आएंगी। जैसे हमने लिखा आई अपोलोजाइज हिम him नहीं me, he apologized dash me, he लिखते हैं he apologized
देश में मिसबिहेवियर क्या होगा, क्या होगा? शाबाश, ये अपोलोजाइज देश, इसी तरह तो सवाल आएंगे भाई, दूसरा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। सवाल का यही रूल है बनाने का, सिंपल फार्मूले है, यही रिपीट होते हैं, आगे पीछे करते हैं। एंग्री विद मी एंग्री है, डिस्प्लेज विद मी डिस्प्लेज है, नेवर हैव डन नेवर डिड इट, ठीक है ना। अपोलोजाइज विद मी एट इज डिस्प्लेज, नहीं नहीं ये नहीं आएगा भाई। और कोई बताए शाबाश। अच्छा विद मी एट इज बिहेवियर, सही। देखिए सबके साथ इस तरह तो नहीं होगा ना, वर्ड को याद करेंगे। आन आएगा, अच्छा भाई इसका होगा ही अपोलोजाइज टू मी फार इज मिसबिहेवियर, समझ रहे। एक दफा अपोलोजाइज टू और फार लेता है, टू एंड फार, I congratulated him his success, शाबाश बताएं। I congratulated him dash his success, क्या आएगा? शाबाश शाबाश, नहीं आ रहा। आसान तो है भाई, देखें ऊपर वाले सेंटेंस को देख के बना सकते हैं। टू और आन आएगा, शाबाश। देखें यही प्रैक्टिस करनी है ना भाई, प्रैक्टिस से सब होगा। आपने कभी सुना है आई कांग्रेजुलेटेड टू हिम, आपने सुना है आई कांग्रेजुलेटेड टू हिम, आपने सुना है कभी, या आई कांग्रेजुलेटेड हिम, किस तरह सुना है? आई कांग्रेजुलेटेड हिम या आई कांग्रेजुलेटेड टू हिम? देखें यहाँ पे I listen him या I listen to him, कौन सा सही है? देखें कोई इशू नहीं है भाई, हम सारे शागिर्द हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहे हूँ, हम सारे सीख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा सीखने का अमल है और एंडलेस है, इसमें कोई भी आप फील ना करें। I congratulated him, कभी भी अगर फेसबुक पे लिखे ना I congratulated my friend on his success, आप लिखना, आप I congratulated my congratulated my best friend
ऑन हिज सक्सेस, इस तरह लिखना आप, ठीक है, फार नहीं करना। लिसन के साथ हमेशा टू डालना, आई लिसन टू हिम, लिसन हमेशा टू लेता है, तो एक दफा आप समझ लें, आई लिसन। टीचर कहता था ना प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, टीचर कहता था ना प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपको याद है तो टीचर इसी तरह कहता था, अभी तक आपके कानों में वो आवाज गूंज रही होगी, लिसन टू मी केयरफुली, टू जरूर कहता होगा, अगर कोई टीचर सही अगर उसने पढ़ा है तो वो टू जरूर कहता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर कहेगा लिसन मी। कोई इशू नहीं है, हर कोई होशियार नहीं होता, कुछ हमारी तरह भी होते हैं, कुछ हमारी तरह भी होते हैं भाई। चलें, आई हैव अ वर्क टू डू, इसका सही क्या है, इसको कॉपी करते हैं, नीचे रखते हैं, यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहां पे रखते हैं। आई हैव अ वर्क टू डू, कहां पे गलती है ये मैं बताऊं, नहीं आ रहा, I have a work to do होगा आपका, I have work to do, क्योंकि work count नहीं कर सकते भाई, इस तरह नहीं होगा works, I have work to do, a work नहीं होगा, this is her, ये सही है sentence या गलत है, this is her, अच्छा दिस इज हर्ष होगा, दिस इज हर्ष होगा, ये होगा दिस इज शी, और फिर होगा दिस मोबाइल इज हर्ष बेटा, अगर आप मोबाइल डालेंगे तो फिर हर्ष होगा, दिस मोबाइल इज हर्ष, असमा बेटा नहीं आ रहा समझ आपको, मेहनत करें ना भाई, किस तरह आप लोग फेडरल में किस तरह 17 ग्रेड लेंगे आप, This mobile is hers होगा और this is she होगा, this mobile is hers yours, this mobile is hers yours, Ali's Aslam's इस तरह होगा, theirs mine, possessive case आएगा भाई, possessive case, शाबाश, it is me नहीं होता भाई, ये होगा it is, क्या आएगा, शाबाश बताएं, कोई बच्चा बताए, It is mine नहीं होगा भाई, ये होगा it is I, इस तरह कह सकते हैं कि this mobile is mine, इस तरह कह सकते हैं this mobile is mine, क्या भाई करूं मैं, चले इसको सही करें, all these students love each other, All these students love one another. Very good, Mumtaz bhai, Kamal. It is me who is blame. It is me. It is me who is टू ब्लेम, क्या सही होगा, शाबाश, अच्छा इट इज आई, सही इट इज आई, शाबाश, चलें हरीश ने लिखा है इट इज आई, तो आगे क्या होगा, हु, It is I who am to blame, भाई क्या याद करेंगे, क्या अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं आपको, It is I who am to blame, फिर नहीं कहना भाई, One another वाला समझ नहीं आया, चले One another वाला बताता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं भाई, जब भी दो से ज्यादा लोग हों तो आपको
वन एंड अदर लगाना होगा। अब समझ आया या नहीं आया? जब भी दो से ज्यादा लोग हों तो आपको वन एंड अदर लगाना होगा, और जब भी दो लोग हों तो आपको ईच अदर लगाना होगा। क्या याद करें? ब्लेम वाला भी बताता हूं भाई, ब्लेम वाला भी बताता हूं। चलें, ब्लेम वाला अभी बताता हूं। अब ऊपर तो मैंने बताया था कि इट इज आई लगाएंगे, इट के इट इज के साथ मी नहीं लगाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। या इट इज शी लगाएंगे, इट इज आई लगाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा इट इज आई, ये मैं हूं जो। अब ये जो हु है ना, हु को आप छोड़ें, ये जो आई है ना, ये एम को रिफ्लेक्ट करेगा ना। ये देखें, एम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ आई है, और अगर यहाँ पे ही होता, इट इज शी होता, तो हु के बाद क्या आएगा? यहाँ पे फिर क्या आएगा? इट इज शी हु क्या आएगा? शाबाश बताएं, शाबाश शाबाश बच्चे, शाबाश अच्छे बच्चे भाई। देखिए मेहनत करवाऊंगा मैं, काम करना आपका काम है। अंग्रेजी अगर आपको मजे की ना आए तो फिर आप मुझे कहना कि मजा नहीं आया। कह रहा हूँ इट इज आई, ये लेवल वाली इंग्लिश है ना, ये कमीशन वाली इंग्लिश है, 17 ग्रेड की अंग्रेजी है। इट इज आई हु इज नहीं होगा, हु एम होगा, इट इज शी हु इज आएगा। और अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ इज आएगा। अच्छा, इट इज अगर हम कहें इट इज दे तो यहाँ क्या आएगा? इट इज दे हु, एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, इट इज दे। हाँ, एक लेक्चर दूंगा, बिल्कुल दूंगा भाई, इसी टॉपिक पे दूंगा, 100% बिल्कुल दूंगा बेटा, बिल्कुल दूंगा इंशाल्लाह। तो इट इज दे हु आर, तो हम क्या लिखेंगे? हु आर, इट इज दे हु आर। अच्छा चलें भाई, आगे चलते हैं। इट इज मी वाला हो गया, आई थॉट इट वाज हिम। अब यहाँ क्या आएगा? आई थॉट इट वाज हिम नहीं आएगा, आई थॉट इट वाज ही, मुझे लगा ये वो है। और ये जो योर सिंसियरली है, आप हैरान होंगे, ये एफआई वाले पेपर में आया था, योर सिंसियरली इंस्पेक्टर एफआईए में ये सवाल आया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो यहाँ जो एपोस्ट्रॉफी है ना, ये नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ ऐसा है। अच्छा, चौथे का लास्ट का बताएं, दिस बुक इज इजियर फ्रॉम दैट वन। कहाँ पे गलती है भाई? नहीं पता? वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है भाई, क्या बात है। यहाँ पे देन आएगा, इजियर देन, गुड हो गया भाई, गुड हो गया। मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, खास चीजें पढ़ाएंगे, सारे रूल्स बताए। एक और क्लास रखेंगे इस पे, तीसरे वाला योर सिंसियरली का होगा भाई, ये होगा योर्स, योर्स सिंसियरली, कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी। क्लियर? इट इज आई थॉट इट वाज ही। This book is easier. This book is easier than that one. Then आएगा easier than, जैसे हम कहते हैं larger than, older than, younger than, easier than होगा, from नहीं होता। Easier than, younger than, larger than, smaller than, better than, gooder than नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि this book is gooder than,
गुडर नहीं बेटर देन गुड गुडर गुडेस्ट ठीक हो गया आज के लिए काफी है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज अभी माइक ऑन करना है भाई अभी तो सारे चले गए बच्चे चलें भाई Excuse me, sir. हाँ हाँ बताएं सर मैं भी बोलना था कि आप जो पढ़ाते हैं ना उस जैसी कुछ और सेंटेंसेस जो है ना वो आप जैसे होमवर्क टाइप होता है ना टेस्ट के लिए वो दे दिया करें ताकि हम जैसे ही कुछ चीजें ना घर पे उसकी वो करते क्योंकि हम मेरे पास अभी ऐसी कोई बुक नहीं है कि नहीं जिससे मैं देख के वो मैं सेंटेंस टेस्ट भेज रहा हूँ अभी भेज रहा हूँ ठीक है अभी भेज रहा हूँ टेस्ट आपको सबको भेज रहा हूँ